लगा देंगे उतना जलेगा। यहाँ पे हम लोग लिट्टी देंगे इसमें सारा लिट्टी बन के तैयार है। फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पे से ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए, तो आज हम लोग ये नया ब्लॉग लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, देख सकते हैं हम पूरा भीग गए हैं। और आज बना रहे हैं हम अपने मायके में लिट्टी चोखा। और आज खाना बनाने भी नहीं आई थी तो सोचे कि हम लोग खुद से लिट्टी चोखा बना लेते हैं। तो हम और तन्नू मिल के बना रहे हैं और आपको स्पेशल बिहार का आज दिखाएंगे कि लिट्टी चोखा बिहार में कैसे बनता है। बनाने वाले हैं आज गोइठा में, जो कि सब कुछ तो हम लोग कर देंगे लेकिन गोइठा सुलगाने इनको आता है, तो ये सुलगाएंगे गोइठा और आज दिखाएंगे आपको बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा। हम सत्तू मिला रहे थे, मतलब सत्तू में सब कुछ डाल रहे थे, उतना में हमको सत्तू पीने का भी मन कर गया शाम में, तो सोचे थोड़ा सत्तू भी पी लेते हैं। तो सत्तू किसको किसको पसंद है आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी आपको दिखाते हैं, परेशान है मेरा सत्तू पीने के लिए, यहाँ पे रखा हुआ था, बस चढ़ने वाला था और हम यहाँ से खींच लिए। और देखिए आज का मौसम कितना सुंदर है, मतलब कि धूप तो है लेकिन बादल भी उतना ही है, बारिश होने वाला है। और आपको अभी दिखाते हैं, प्याज व्याज काट के रखे हुए हैं और यहाँ पे टमाटर पका हुआ है, यहाँ पे सत्तू, बस सब कुछ तैयार होके यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको मिलाना है। और आपको जैसा बोले कि बारिश होने वाला है, यहाँ पे धूप है और देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा है, मतलब यहाँ पे मोटर का पानी गिर रहा है। कहाँ पे सेकिएगा, कहाँ पे सेकिएगा, यहीं पे अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो। सान के रखा हुआ है, यहाँ पे सत्तू मिला रही है तनु, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मतलब नमक, तेल, नींबू, जमाइन, मंगरेला, लहसुन, मिर्ची सचुक के दिए इसमें, और क्या दिए तनु, प्याज, और प्याज दी है, मिर्ची तो ये सब दे ही दिए, और एक चीज़ छूट रहा है, अचार का तेल इसमें दिया जाता है, मना की है थोड़ा। और आप लोग प्लीज़ बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। और आज तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, काव डंक केक में बना आज हम लोग बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। यहाँ पे मेरा बैगन पकड़ा है और हो ही गया है, बस इसका इसको अब इसमें मिलाना है, चोखा, टमाटर और बैगन में ही लहसुन मिर्ची दे दिए, इसी में पकेगा, पकड़ा है अच्छे से, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। और चार बैगन देंगे और उसके बाद फिर चोखा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सत्तू भर रहा है अभी लिट्टी में, ये तो आटा सना हो, क्या कर रही है, और आटा लगेगा, आदमी भी तो इतना है, पागल हो, उतना काफी हो जाएगा, उतना काफी रहेगा, तो रख देंगे ना, सुबह पूरी छान लेना, पूरी छान लेना, आपको पूरी पसंद है। क्यारा क्या कर रही है, क्यारा भी बना रही है यहाँ। अरे यहाँ पे गोइठा का भी जुगाड़ हो गया, अभी कम पड़ गया गोइठा, थोड़ा सा और पड़ेगा तो बनेगा, देसी स्टाइल में बना रही है, गांव के स्टाइल में ना, पूरा गांव स्टाइल में लिट्टी चोखा, गांव स्टाइल में, गांव स्टाइल में, गांव गांव करते रहती है क्यारा, गांव स्टाइल, तो अब बैगन का चोखा, बैगन, आलू, टमाटर, इसमें नमक, तेल सब दे दिए हैं, प्याज और मिर्ची, लहसुन, अब इसमें दे के इसको बनाएंगे और सब टेस्टी टेस्टी खाएगा ना तनु क्या है एकदम बिहारी स्टाइल में, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना। बहुत अच्छा बना है, खुद का बड़ाई खुद कर लेते हैं, तब तो करती नहीं अभी हम खाए नहीं है, जब खाएंगे तब। बाप रे बाप, इतना दहक गया जितना, मेरा नजर लग गया,
नहीं, जितना हवा देगी उतना जलेगा। बाप रे बाप, मानी डुम, मानी देख रही है यहाँ पे खड़ा होके कितना गोईठा लगता है, देख लीजिए। इससे और ज्यादा गोईठा लगता है क्योंकि लिट्टी भी बहुत सारा है, 30 लिट्टी से कम नहीं होगा, तो इसमें गोईठा भी ज्यादा लगेगा, जगह भी ज्यादा चाहिए एक्चुअली में। और अभी तो सब कुछ बन के तैयार ही है, आप लोग देख सकते हैं, बस सब सेकेंगे और जल्दी जल्दी खाएंगे गर्मा गर्म लिट्टी और चोखा। अभी इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था यहाँ पे अंगना में, तो इनको हवा नहीं, हम हौक रहे थे तो इसको पंखा चाहिए था, तो ये हमसे छीन के अपना हौक रही था। हाँ, वीडियो में हमको दिखा रही है। बाप रे, इनको हवा दे रहे हैं। हाँ बाप रे, इतना ठंडा है। हाँ ठंडा गया पूरा। यहाँ पे हम लोग लिट्टी देंगे इसमें सारा और गर्मा गर्म सिकाएगा। और दो जने दे रहे, बाप रे बाप, फेंक फेंक के देते हैं। दो में क्या दिक्कत है, अब नहीं ध्यान लग रहा है, पक रहा है ना, लेकिन देख रहे तुमको जल्दी वो करना होगा। हाँ दे रहे हैं, बस पलटते जाइए आप। तो यहाँ पे सब मिलके अभी हम लोग सेक रहे हैं, और अभी गोलू भी था, भाग गया। ये वाला निकाल दे क्या? नहीं, जो निकाल के चेक कर लो। एगो यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं, ये वाला हो चुका है। अब इसको गरम गरम सेकेंगे जल्दी जल्दी और पोछेंगे। इसमें डालो, चारों तरफ से ला लो। इधर नहीं हुआ, इस साइड से देना। हमको लगा मौसी नहीं खाएगी, खाए बोलेगी गोबर का गोईठा पीली से। गोबर का गोईठा सबसे शुद्ध होता है इधर की। मम्मी ये खाएगी, मम्मी के लिए ही स्पेशली सेक के बन रहा है। नहीं तो वो जो सेकने वाला आता है ना उसमें सेकते हम लोग, लेकिन मम्मी मतलब हम लोग सोचे कि इसमें ट्राई करते हैं एक बार सेक के कैसा लगता है। यहाँ पे कोई खाया नहीं है शायद गोईठा वाला ना रे, हम खाए थे पिछले बार। हाँ पिछले बार तो वहीं से बनाए थे, राखी में, पिछले बार राखी में बनाए थे और फिर इस बार राखी से पहले फिर से बनाए। और यहाँ पे पानी तब से लाइट दिखा रही है मेरे मुंह पे, घर से दिखाई गया। लिट्टी बन के तैयार है, आइए आप लोग खाइए। जिसको जिसको खाना है वो कमेंट्स में बताइए, और वीडियो देख के आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, बनाने का बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और अभी आपको खा के भी बताएंगे कैसा लगता है। जा रही है गोलू को देने, उसका रिएक्शन कैच करेंगे। चोखा दो, तो खा के बताओ तुम रिएक्शन तुम्हारा कैच करेंगे। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में तो सही में अच्छा लगता है, और खाने में उससे भी ज्यादा। रुको गरम है, फूंक के खाओ। और खाने में तो ये वाला उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। कैसा है? और तुमको एक चीज याद है, पिछले राखी में भी तुम यही खाया था, और इस बार राखी से पहले खा रहा गोईठा वाला ही है ना। आपको नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पिछले बार हम लोग यही खाए थे राखी के दिन, हाँ लखीसराय में यही खाए थे, और राखी से इस बार पहले खा रहे हैं, तो अच्छा बना है, व्यू मिल गया। तो अब बन के तैयार है और खा भी रहे हैं, बहुत टेस्टी बना है।